हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिजली वाले गुरुजी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूं प्रमुख नगरों के प्रतीक नाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, लीची नगर के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, सरोवर नगरी किसे कहा जाता है और भारत का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा केदारखंड के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो केदारखंड के नाम से प्रसिद्ध है गढ़वाल क्षेत्र। उत्तराखंड को दो मंडलों में बांटा गया है तो गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अब बताऊंगा मानसखंड, मानसखंड के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, मानसखंड के नाम से कुमाऊं क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताऊंगा गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं, गढ़वाल का द्वार वो द्वार को कहा जाता है। अगला है कुमाऊं का प्रवेश द्वार, कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सरोवर नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। सरोवर नगरी, झीलों की नगरी नाम से नैनीताल क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताऊंगा संत नगरी, गंगानगर, कुब्जामृग के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो संत नगरी, गंगानगर, कुब्जामृग ऋषिकेश के ही नाम है। पहाड़ों की रानी और भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है मसूरी, मसूरी को ही पहाड़ों की रानी कहा जाता है। फिर अब ये बताइए छोटा कश्मीर और सोर क्षेत्र किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, छोटा कश्मीर और सोर क्षेत्र के नाम से पिथौरागढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, बिल्कुल सही, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है। कौसानी को यह नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा तीर्थ नगरी, कुंभ नगर, गंगा द्वार, पावन नगरी किसे कहा जाता है। दोस्तों आप पहचान ही गए होंगे, तीर्थ नगरी, कुंभ नगर, गंगा द्वार, पावन नगरी, हरिद्वार को कहा जाता है। कत्यूरी घाटी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। सोचिए दोस्तों, कत्यूरी घाटी के नाम से बैजनाथ क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताऊंगा मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है द्वाराहाट। यह क्षेत्र अल्मोड़ा जिले में है। अब मैं आपको बताऊंगा बाल मिठाई का घर किसे कहते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की पहचान बाल मिठाई है, तो बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहा जाता है। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, ताम्र नगरी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। प्राचीन काल में अल्मोड़ा में तांबे के या ताम्र के, कॉपर के बर्तन बनाए जाते थे, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा ब्याघ्रेश्वर और उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है। तो ब्याघ्रेश्वर और उत्तर का वाराणसी बागेश्वर क्षेत्र को कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा लीची नगर के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लीची नगर के नाम से देहरादून क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताऊंगा इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग को कहा जाता है। देवप्रयाग टिहरी जिले में है। अब मैं आपको बताऊंगा उत्तर का काशी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर का काशी कहा जाता है भीमंडेश्वर को। यह क्षेत्र अल्मोड़ा जिले में आता है। अब मैं आपको बताऊंगा मणिभद्रपुरी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मणिभद्रपुरी के नाम से प्रसिद्ध है माणा गांव। यह चमोली जिले में है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा।
यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड।